सब्सक्राइब करें हमारे आयुर्वेदिक उपचार चैनल को और बेल आइकन को दबा दें हमारे नए अपडेट पाने के लिए। आज हम जानेंगे अमलतास के कुछ फायदे के बारे में। इसके पेड़ मध्यम ऊंचाई का 25 से 30 फुट ऊंचा होता है। इसमें चमकीले पीले रंग के फूल लगते हैं। फली कठोर, नुकीली, बेलनाकार, कच्ची होने पर हरी, पकने पर काली तथा 1 से 2 फुट लंबी तक होती है। इसकी छाल सुमारी नाम से चमड़ा रंगने के काम आती है और यह पूरे भारत में पैदा होता है। इसे अंग्रेजी में पुडिंग पाइप ट्री, संस्कृत में स्वर्णभूषण, राजवृक्ष, कर्णिकर, कृतमाल, गुजराती में गरमाल, बांग्ला में सुतालू, मराठी में बाहदा, फारसी में ख्योर शंबर तथा लैटिन में केसिया फिस्टुला के नाम से जाना जाता है। ये पचने में भारी, चिकना, स्वाद में मीठा एवं ठंडी तासीर वाला होता है। ये सूजन, वात, पित्त, विकारों का नाश करता है और कब्जियत दूर करता है। शरीर की सूजन, दर्द, त्वचा विकार, हृदय के लिए लाभदायक तथा मूत्र विकार नाशक है। बुखार कम करने वाला, आमवात, संधिवात, मुंह के रोग, पीलिया तथा श्वास रोगों में उपयोगी होता है। जानते हैं इसके कुछ फायदे के बारे में। आमवात, संधिवात, गांठ युक्त सूजन, घाव युक्त फोड़ों पर इसके पत्तों का एवं फल का भीतरी गिरी का लेप करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। 40 ग्राम अमलतास लेकर 4 गुने पानी में मिलाकर मंद आंच पर पकाएं। चौथाई भाग बचने पर छान लें। इससे कुल्ला करें। इससे मुंह तथा गले के रोग दूर हो जाते हैं। अमलतास का आटा बनाकर छानने के बाद चौथाई भाग शक्कर डालकर उसी पानी को पकाएं और गाढ़ा होने पर पकाकर साफ बर्तन में रख लें। इसको 1 चम्मच की मात्रा में रोज पीने से दमा और खांसी में आराम मिलता है। इसके फल का गूदा 10 ग्राम की मात्रा में 1 ग्लास जल में भिगो दें। सुबह हाथ से मसल कर छान कर पिए तो कोष्ठबद्धता दूर होती है। कफ और वायु से होने वाले बुखार में शरीर में दर्द रहता है। ऐसे में अमलतास, कुटकी, मोथा, हरड़ और पीपला मूल सभी समान मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर पिलाएं। इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। शरीर में जलन हो तो फल की गिरी, अंगूर के काढ़े के साथ शहद मिलाकर पिलाने से शीघ्र लाभ होता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।